रिम्स के एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल और ज्यादा अलर्ट पर आ गया है। एमजीएम अस्पताल में आने वाले कोरोना के संदिग्ध मरीजों को बेहतर इलाज और सुचारू रूप से उनकी जांच की जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को भी प्रोटोकॉल में रहकर उन्हें हर सुविधा दी जा रही है ताकि कोरोना से कोई संक्रमित न हो सके। जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल में है और हमारे साथ हैं अस्पताल के उपाधीक्षक नकुल चौधरी। उनसे हम जानेंगे कि सर, आपका अस्पताल में अभी तक देखा जाए तो जिस तरह से रिम्स में एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं, उनका सुरक्षा को ख्याल रखते हुए क्या कुछ जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे हैं उनको? देखिए, अस्पताल में न तो पीपी किट की कमी है, न N95 मास्क की कमी है, न ट्रिपल लेयर मास्क की कमी है, न आपका सैनिटाइजर की कमी है। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम लोग हमेशा जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, सारे लोगों को हम लोग बराबर ये बताते हैं कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। सकते हैं कि ये थे नकुल चौधरी, एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक हैं, जिन्होंने कहा साफ तौर से कि उनके अस्पताल में जो भी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स हो, उनको हर तरह की सुरक्षित रखने का व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसे में आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह।